देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोटिवेशन कीप्स यू मूविंग एंड डिटरमिनेशन कीप्स यू गोइंग, गेट्स यू गोइंग। तो ऐसे बहुत सारे हमने इंटरेस्टिंग वॉलपेपर्स बनाए हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए और एसजीसी के मेंबर्स के लिए, तो आप इसको हमारे टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और रोज मोटिवेट हो सकता है। जितनी बार पढ़ेंगे उतना माथा में घुसेगा। और अगर आप चाहो तो मल्टीपल वाला लगा के यहाँ पे ऐसा सेट कर सकते हो विंडोज़ में। आपको पता ना, यहाँ पे जाके पर्सनलाइज में आप एक साथ मल्टीपल अपलोड कर दोगे ना बैकग्राउंड में, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि यू कैन स्लाइड शो सेट कर दो बहुत सारा सिलेक्ट करके, तो यू कैन चेंज पिक्चर एवरी मिनट, तो थोड़ी थोड़ी देर में एक वैरायटी भी मिलता रहेगा। खैर, अभी का उद्देश्य ये नहीं है, ठीक है। अभी का उद्देश्य है आपको बताना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर CMA इंटर कॉस टू एंड FM, ठीक है। जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए हमने आपके लिए कंपाइल कर दिया है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर ICMA मैट, जो जो मुझे लगा कि आपको एक बार और करके देख के जरूर जाना चाहिए। तो इसमें कॉस्ट भी है और FM भी है, ठीक है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में खाली एक ही समस्या होता है कि बहुत बार हमें लगता है अरे ये तो मेरा नहीं किया हुआ है, नहीं किया हुआ है तो कोई नहीं, अब लास्ट एकदम आप लास्ट डे देख रहे हो तो स्किप कर जाना। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक्स हैं जो कई बार होते नहीं है। बट ये नहीं है कि हार्डर्ड क्वेश्चन ही डाला हूँ, इजी क्वेश्चन भी डाला हूँ जो मुझे लगा कि हाँ ये भी हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। तो आप जब लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करो तो इस सम पे थोड़ा सा नज़र अच्छे से डाल लेना। कोई नहीं किया हुआ तो घबराना नहीं, छोड़ देना, स्किप कर जाना, नेक्स्ट में चल जाना, ठीक है। ऐसे आप फॉलो करो एंड इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा तो मेरे को ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैं हमेशा यही बोलता हूँ, जितना आपको पढ़ाया गया सब इम्पॉर्टेंट है। जो जो इंस्टीट्यूट से आज तक क्वेश्चंस आए हैं पास्ट में, RTP में, MTPs में और इंस्टीट्यूट में, सब इम्पॉर्टेंट है। प्रोफेशनल एग्ज़ाम कभी भी अनइम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट के गेम पे नहीं चलता है। बट फिर भी बच्चे बहुत बार बोलते हैं कि लिमिटेड टाइम है सर, तो कुछ क्वेश्चंस आप ही बता दें जो इम्पॉर्टेंट है। उसका भी सोल्यूशन मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आपने अपने प्रिपरेशन के समय कुछ मार्क किया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो लगा जिसमें आप फंस सकते हो वो इम्पॉर्टेंट है। फिर भी मेरे को जो लगा कि मेरे स्टूडेंट हो सकता है जब पढ़ाई कर रहे हो तो वो किसी किसी समय फंस सकते हैं क्योंकि उतना ध्यान नहीं रहता एग्ज़ाम के समय एक दिन पहले, इसलिए मैंने ये लिस्ट आपके लिए बनाया है। आप भी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये लिस्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।